हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज मैं आपको रोज़ के केयर के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने इसी महीने स्टार्टिंग में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि इस मंथ के मिड में या एंड तक हम रोज़ को रिपॉट कर सकते हैं। तो कौन से रोज़ के प्लांट को रिपॉट करना है? जो अभी आपको फ्रेम पे दिख रहा है वो रोज़ देखिए गमले के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। तो जो रोज़ेस जिस गमले में है उस गमले के हिसाब से अगर बड़े हैं हाइट में और या साइड में बुशीनेस में बड़े हैं तो उन प्लांट्स को रिपॉट करना है। अगर 8 इंची में है तो उसको आप 10 इंची में रिपॉट कर सकते हैं। अगर 6 इंची में है तो उसको 8 इंच, मतलब आपको एक एक साइज बड़ा पॉट में उसको ट्रांसफ़र करना है। और सारे प्लांट्स को करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन से प्लांट में उसको फ्रेश रूटिंग या स्पेस की ज़रूरत है। जैसे ये प्लांट है, इसमें गमले के हिसाब से प्लांट की ग्रोथ उतनी नहीं है, हालांकि हाइट में बड़ा हुआ है पर साइड में बुशीनेस उतना नहीं है। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो वो इस सेशन में, मतलब एक साल वो इसी गमले में चल सकता है। तो इसको मुझे रिपॉट करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इसकी ज़रूरत है। इसमें ये काफ़ी बड़ा भी है और इसके ब्रांचेस देखिए काफ़ी मोटे भी हैं, तो इसको हमको नए पॉट में देना है। तो ये 8 इंची का है तो मेरा नेक्स्ट जो साइज़ होगा वो 10 इंच गमला होगा। 10 इंच वाले को आप 12 इंच में ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं, पर 12 इंच वालों को 14 इंच में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 12 इंच वालों को आप प्लांट को निकालिए, उसमें से नीचे से रूट की प्रूनिंग कर दीजिए और उसके बाद उसमें से पुराने मट्टी को थोड़ा सा हटा के फिर न्यूली आप उसको वापस से 12 इंच में डाल दीजिए। मतलब गमले का साइज़ आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से में आपको चेंज करना है और कौन से में चेंज नहीं करना है। आपको खुद को अपने प्लांट को देख के समझना होगा, क्योंकि अगले महीने या इसी महीने, क्योंकि अभी अक्टूबर का आज 1 तारीख है, तो इसी महीने के एंड में जब दिन और रात के टेम्परेचर में 10 डिग्री का अंतर आ जाता है, जो कि आसपास 20 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा या 25 या 30 अक्टूबर के आसपास आएगा, तो उस टाइम पर हमको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी होगी। ये देखिए, ये मैंने 10 इंच का गमला लिया है और बाकी सारे प्लांट्स ये देखिए, ये जो है ये मेरे 8 इंच में है और इस पौधे को मैं अब 10 इंच वाले गमले में शिफ्ट करूँगी। मैंने बाकी 2 प्लांट्स को भी कर दिया है, बस उठा के मैंने बिठाया ही है। अब मैं इस प्लांट को शिफ्ट करूँगी। देखिए ये प्लांट काफ़ी बड़ा है उस गमले के हिसाब से, और जब भी आप शिफ्ट करें आप ध्यान रखिए कि इसका जो जोड़ है जहाँ से ग्राफ्टिंग हुआ है वो ग्राफ्ट काफ़ी आपके मट्टी से ऊपर है। अगर मट्टी के नीचे चले जाएगा तो वहाँ से और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। तो आपको जब आप रिपॉटिंग करें तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो ये मेन जहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं, जो कि ग्राफ्टिंग का जगह है, वो मट्टी के ऊपर। बस यहाँ से मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया है और ये पूरा ऐसा एज सच मट्टी साथ पूरा उठ जाएगा। इसके बाद आप नए वाले गमले में डाल दीजिए। गमले में डालते वक्त ध्यान रखिए कि वो एकदम सेंटर पे हो। अगर पुराने में या पुराने गमले में जब प्लांट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है तो इस टाइम पे आप अपने गमले के नीचे में थोड़ा सा मट्टी डाल के उसको बेस को ठीक कर सकते हैं, उसका सेंटर ठीक कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें हमको ये फिलिंग जो साइड में जगह बच रहा है वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप हाथ से हो या खुरपी से हो आप साइड के एरिया को तोड़ दें, जो आपका पूरा रूट बल्ब है उसको आप थोड़ा सा हिलाइए ताकि वहाँ से जो मट्टी है वो मट्टी अब नीचे आपके गमले में गिर जाए। इसके बाद जब हम इसको और सपोर्ट देना पड़ेगा, फ्रेश मट्टी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गमले का साइज़ बढ़ाया है। तो जब हम गमले का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सॉइल मिक्स हम बनाते हैं रोज़ के लिए, जो सॉइल मिक्स है आपको वही सॉइल मिक्स यूज़ करना है।
मैंने पहले भी बताया है कि रोज़ का जो सॉइल मिक्स है वो उसमें होता है गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और सैंड, तीनों इक्वल प्रपोर्शन में आपको लेना है। तो आपको जितने गमले की रिपोटिंग करनी है उस हिसाब से आप अपना पूरा मिट्टी तैयार कर ले। मिट्टी तैयार करने के बाद आप इसमें गमले में ट्रांसफ़र करें और फिर उसको जितना मिट्टी की ज़रूरत है उसमें आप डालें। तो इसमें रेती है, वर्मी कंपोस्ट है और गार्डन सॉइल है, इसको अच्छे से मिक्स करके मैं उसमें डाल रही हूँ। याद रखिएगा सितंबर महीने में मैंने प्लांट में कोई भी फीडिंग नहीं की थी, मैंने कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं डाला था। अब अक्टूबर महीने में हमको उसमें फर्टिलाइजर्स डालना है, पर मैं 15 तारीख के आसपास ही इसमें फर्स्ट फर्टिलाइज़र डालूँगी। और अभी क्योंकि मैं सबको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें थोड़ा ना थोड़ा वर्मी कंपोस्ट है, तो कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट को मिलना चालू हो जाएगा। और जब मैं 15 अक्टूबर के आसपास मैं इसमें फुल फर्टिलाइज़र मिक्स का फीड दूंगी तो मेरा प्लांट बहुत अच्छे से खा पाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छा दिखने शुरू हो जाएगा। अगर कोई मिट्टी के ढेले हैं तो इसको आप तोड़ दीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मिट्टी को छान के फिर वर्मी कंपोस्ट और रेती भी मिक्स करके या फिर पूरे चीज़ को पहले मिक्स करके फिर भी आप छान के उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं छानने का प्रोसीजर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ। ये भी एक गमले में मैंने पहले ही एक पेड़ को ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर आप ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन ऊपर रख रहे हैं तो उससे आपको भी एक फ़ायदा होता है कि आप जब नीचे मिट्टी में काम करेंगे तो उसके ब्रांचेस ग्राफ्टिंग के नीचे नहीं आते, तो ऊपर में ही ब्रांचेस रहेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपके हाथ में भी कांटा चुभने का डर नहीं होता है और आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है जिसपे आप अपना गुड़ाई और मिट्टी डालना, फर्टिलाइजर्स डालना ये सब कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा काम होगा रोज़ में वो है कि अक्टूबर 25-30 के आसपास इसकी प्रूनिंग करना है और 15 अक्टूबर के आसपास हमको इसको फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं बिल्कुल से आपको वीडियो शेयर करूंगी जब मैं अपने फर्टिलाइज़र्स इसमें ऐड कर रही हूं और किस तरह से मुझे फर्टिलाइज़र्स ऐड करना है, क्योंकि प्लांट को पिछले 1-1.5 महीने से कुछ भी फीडिंग नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करने का एक अनोखा तरीका है जो मैं फॉलो करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस पूरे 1.5 महीने में बारिश भी था तो हमको रेगुलरली फर्टिल स्प्रे करना पड़ा मेडिसिंस जो कि आपका फंगीसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है और सुपर सोनाटा जो कि रोज़ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इस तरह से साइड से मिट्टी डाल दीजिए और खुरपी के हेल्प से आप उसमें और थोड़ा सा उसको प्रेस करते जाइए ताकि जो भी नीचे में खाली स्पेस है वहाँ पर मिट्टी पूरा फिल हो जाए। अगर नीचे में खाली जगह रह जाएगा तो वहाँ से फंगस इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नीचे के तरफ कहीं पे भी स्पेस खाली ना रहे। इसी तरह आपके गमले को ऊपर से 2 इंच का गैप रख के आप बाकी अपने प्लांट को डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा हिला के देखिए कि अंदर में पूरे अच्छे से मिट्टी भर जाए। बस इसके ये आपका प्लांट रेडी है और इसमें आप पानी डाल दीजिए तो आपका इस स्टेप जो रिपोटिंग का है ये रिपोटिंग कंप्लीट है। इसी तरह से मैं दूसरे प्लांट्स पे भी रिपोटिंग पूरा कर ली हूँ और ये देखिए इसमें ये काफ़ी बड़ा सा प्लांट है और इसमें थोड़ा सॉइल मिक्स ज़्यादा ही लग रहा है, पर ध्यान रखिएगा कि नीचे से पूरा उसका फिक्स वो फिल हो जाए और नीचे से कहीं गैप ना रहे। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए और बाकी जैसे हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड आप उसी को कंटिन्यूअली स्प्रे करिए। तो अगला रोज़ का वीडियो जो होगा वो प्रूनिंग का वीडियो होगा। प्रूनिंग के पहले एक वीडियो ज़रूर रहेगा जिसमें हम फीडिंग देंगे कि रोज़ को हम किस तरह से फीड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। बस इसी तरह से आपको इसको पूरे गमले में साइड साइड से देखते हुए खुरपी के हेल्प से आप इसको भरते जाइए।
मिट्टी, रेती और वर्मी कंपोस्ट का प्रोपोर्शन अच्छे से मेंटेन करिएगा, क्योंकि इस तरह से मेंटेन करने से आपके रोज प्लांट में कभी भी पानी नहीं बैठेगा और जितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रो करता है। अभी विंटर्स पे के प्लांट्स पे भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। मैंने कुछ सीड्स लगा लिया है, उसके ग्रोथ और उसको किस तरह से बढ़ रहा है उस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू।